सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य जहां पे अभी तक कोई भी रेल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। सिक्किम भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक राज्य है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है जो नेपाल, भूटान और तिब्बत से घिरा हुआ है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यह एक पर्यटक और धार्मिक स्थल है। सिक्किम अपने खूबसूरत दृश्यों, आध्यात्मिकता, बागवानी और प्रकृति के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी तक सिक्किम में कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी। सिक्किम स्टेट के सबसे पास वाला स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सिक्किम तक भी ट्रेन पहुंचाने के लिए सिक्किम में रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। इस रेलवे प्रोजेक्ट का नाम है शिवोक रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट्स और अन्य प्रोजेक्ट्स पे मैं पहले से वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। सिक्किम एक पर्वतीय राज्य है जिसमें हिमालय के शिखर और गहरी घाटियां हैं। इन घाटियों में रेलवे नेटवर्क को बनाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। शिवोक रंगपो रेलवे लाइन 44 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जो कि वेस्ट बंगाल के ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन शिवोक रेलवे स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से स्टार्ट होगी और जो रंगपो, जो कि सिक्किम की पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे आके मिलेगी। शिवोक से रंगपो तक इस प्रोजेक्ट का जो फेज वन है, फेज टू में इस लाइन को गैंगटोक तक एक्सटेंड किया जाएगा और फिर इसको आगे नाथुला, जो कि चाइना बॉर्डर के पास है, वहां तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने 2009 में रखा था, लेकिन यह रेलवे लाइन फॉरेस्ट और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरनी थी, जिसकी वजह से इसको अप्रूवल नहीं मिल रहा था और आखिर में जाके 2019 में इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट की 86% रेलवे लाइन टनल से होके गुजरेगी, यानी कि 44.98 किलोमीटर में से 38.53 किलोमीटर तो सिर्फ टनल्स होंगे। इस प्रोजेक्ट में 14 टनल्स और 28 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 5.1 किलोमीटर का सबसे लंबा टनल होगा। इस रेलवे लाइन में पूरे 5 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इस रेलवे लाइन को इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है और अभी की बात करें तो 14 टनलों में से 6 से 7 टनल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी कि 70% तक टनलिंग का काम पूरा हो चुका है। कुछ ब्रिजेस भी बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम बचा हुआ है, क्योंकि इस रीजन का टेरन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरन है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और दिसंबर 2024 तक जहां पे फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस को रंगपो रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये रेलवे लाइन सिक्किम और भारत के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रेलवे लाइन को नाथुला, जो कि चाइना बॉर्डर तक है, वहां तक भी बिछाया जाएगा। ये रेलवे लाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरती है, यानी कि आप वाइल्ड लाइफ और प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं, जिससे सिक्किम में टूरिज्म सेक्टर और ज्यादा मजबूत होगा और इस रेलवे लाइन के बनने से सिक्किम के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। लाइक और शेयर करके आप जो जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।